फिर डी ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन अदर डी ऑर्बिटल्स। आगे हाँ बढ़े। हाँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पढ़ो पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव। हाँ हाँ पढ़ो पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ो पहले, फिर बात करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर एट्रिब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्गर फोर्स दैट बाइंड द एटम्स टुगेदर। एज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ निवेदा सेकंड पॉइंट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर एट्रिब्यूटेड टू स्ट्रॉन्गर फोर्स दैट बाइंड द एटम्स टुगेदर। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर फोर्स क्यों होता है? मेटालिक मेटालिक बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। ठीक है। एसओपी ब्लॉक से काफी ज्यादा होगी ना, कोऑर्डिनेशन नंबर काफी ज्यादा होगा ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है ना, हाँ मेटल क्रिस्टल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। थर्ड क्या है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स। एक मिनट, ऊपर जाके देखना पड़ेगा, बिटवीन एटम्स। ठीक है, वो ये रहा 2.2 आ गया, 2.1 तो पढ़ना था एक्चुअली। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ट्रांजिशन, मेटालिक कैरेक्टर, ऑटोमोशन, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल इज वेरी स्मॉल बीइंग इक्वल टू 2। दे आर वेरी हार्ड मेलेबल डक्टाइल। हाँ तो पॉइंट नंबर 2, 3। अच्छा 3 तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सॉलिड स्टेट अभी नहीं पढ़ा है ना, ये सॉलिड स्टेट के बाद आएगा, ये वही मेटल क्रिस्टल से रिलेटेड है वैसे। पॉइंट नंबर 2, 4 और 5 पढ़ो। 2, 4 और 5 दे आर हार्ड मेलेबल एंड डक्टाइल एक्सेप्ट Hg व्हिच इज लिक्विड एंड सॉलिड सॉफ्ट। 2, 4 कोवेलेंट एंड मेटालिक बॉन्डिंग बोथ एग्जिस्ट इन एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। प्रेजेंस ऑफ अनफिल्ड डी शेप शेल फेवर कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू पोजेशन ऑफ वन और टू इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट एनर्जी शेल। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? ठीक है, हाँ पॉइंट क्लियर नंबर टू तो है, 2 क्लियर है। इसके बाद 4 में कोवेलेंट एंड मेटालिक बॉन्डिंग बोथ एग्जिस्ट इन द एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। सही है, ये कैसे हुआ? मेटालिक बॉन्ड तो अगर पता ही है, कोवेलेंट बॉन्ड कॉपर क्लोराइड CuCl, हाँ सोडोनेट गैस कॉन्फिग्रेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है ना, उस वजह से हुआ। ठीक है। हाँ क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 क्या है? द प्रेजेंस ऑफ अनफिल्ड से डी सबशेल फेवर कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज वन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। हाँ ओके एंड मेटालिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ वन और टू इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट एनर्जी शेल। ठीक है, वो उसकी बात कर रहा है एस की। दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो तो है ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, एमपीबीपी एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। हाँ सही बात है, बेसिकली फजान रूल। Where each of the d orbital has only one paired electron, opportunity of covalent sharing is greatest. ठीक है, इसके बाद point number 4 और 5 पढ़ो। हाँ इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एमएन द अनएक्सपेक्टेड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग इज ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इट इज अनेबल टू फॉर्म मेटालिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा समझ तो नॉट पॉइंट नंबर 4 समझ में आया? नहीं आप बताइए। इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीज अनएक्सपेक्टेड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इट इज अनेबल टू फॉर्म मेटालिक एंड
कोवेलेंट बॉन्ड्स बेसिकली आपका ये जो होता है, क्या नाम है, अरे वो था ना, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली एक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, जैसे A2 सॉलिड गिविंग 2A, सॉरी एक मिनट, मैंने वो बताया था ना आपको, A2 गिविंग 2A, दिस रिएक्शन डजंट रिप्रेजेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, A सॉलिड गिविंग A लिक्विड एंड कन्वर्टिंग इनटू A गैसियस रिप्रेजेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है? तो ये बेसिकली अपना ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, sp3 d2 d2 sp3 सब बनाएगा ये, तो हाँ की वजह से वो तो मेटालिक, हाँ वजह से मेटालिक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी ना, राइट? ओके समझे। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n-1 d10 4s2 इन Zn CdHg इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ग्राफ नीचे बना हुआ है देखो, पहले इंक्रीज हुआ, फिर अचानक डिक्रीज हुआ मैग्नीज का, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो करके वापस वही मैग्नीज और जिंक, तो वही सिमिलर चीजें हो जाएंगी D5 एंड D10। ठीक है। एटॉमिक आगे बढ़ो, एटॉमिक रेडियस, ये तो तुम पढ़ लेना बस, सेकंड पॉइंट, द रेडियस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर आर हाउएवर वेरी क्लोज, तो बता ही रखा है, आर क्रोमियम टू आर कॉपर रिमेंस सेम, साइमल्टेनियस एडिशन लेवल एक्सरसाइज रिवर्स बाय स्क्रीन इफेक्ट कन्वर्ट फुल, एक बार पढ़ लो पॉइंट नंबर 1 से लेके 4 तक, पढ़ी लो, आसान है बट क्विकली रीड करो। वैल्यू ऑफ दिस रेडियस डिक्रीजेस जनरली ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज टेंड्स टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनवर्ड्स। ओके तो वैल्यू ऑफ रेडियस डिक्रीजेस जनरली बिकॉज एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज टेंड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनवर्ड्स। ओके तो रेडियस फॉर द एलिमेंट्स फ्रॉम Cr टू Cu आर हाउएवर वेरी क्लोज टू अनदर। The simultaneous addition of electron of 3d level exercises the reverse effect by screening the outer 4s electron from the inward pull of the nucleus. As a result of these two opposing forces, the atomic radii do not alter much on moving from Cr to Cu. Simultaneous addition of 3d level exercises the reverse effect by screening the outer 4s electron from the inward pull of the nucleus. अच्छा तो 1 से 4 तक कोई डाउट? 5 भी पढ़ लो, इनफैक्ट 4 तो 5 पढ़ लिया, 5 5 एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपोजिंग पढ़ लिया ना, हां तो 1 टू 5 में कोई डाउट? तो मतलब ये क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ मतलब 3d मतलब 3d इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो रिवर्स इफेक्ट बाय स्क्रीनिंग द आउटवर्ड आर पेयरिंग हो रही है तो रिपल्शन बढ़ेगा लेकिन पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल उसको कंपनसेट कर देगा तो रेडियस सेम रहेगी, ओके ठीक है। इसके बाद में अच्छा ठीक है हाँ आगे बढ़ो, 6 7 8 रेडियस ऑफ एम प्लस M2 क्या है Mn? हाँ M2 क्या है M2 प्लस जनरल सिंबल है ना, जनरल सिंबल। Although somewhat the radii of M2 plus ions, although somewhat smaller than that of Ca2 plus ion, are comparable with it. Somewhat comparable with it. The solution of transition element should be similar to CaO in many ways. Although some with what less basic and less soluble in water. ठीक है तो transition elements के oxides are they are similar to CaO, ठीक है but they are kind of they are comparable. Okay तो similarly the hydration energy of M2 plus ions are between this to this which is somewhat greater than that of Ca2 plus ions. ठीक है Ca2 से compare कर रहे हैं, आगे बढ़े। ठीक है हाँ सर एक सेकंड, हाँ
सर हाँ मैं इधर ही हूँ। वो ग्रीन टी का सेशन ले लेंगे आप, बताओ। हाँ हाँ पढ़ लिया आगे 7 7 7 8 7 8 पढ़ लिया सर। ओके सॉरी, आगे बढ़ते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं, इसकी एक्सरसाइजेस भी आज ही खत्म करनी, पूरा खत्म करना है इसको। ठीक है हाँ और अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर पे एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना पेंडिंग पार्ट है सब रैपअप कर दो, पहला वो हो गया। क्या बचा क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सब खत्म हो गया था, कुछ बचा क्या है, स्टेटस क्या है? नहीं, कुछ डीवी पीस करने थे। हाँ नहीं, उसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं, मुझे भी तो देना था ना। तो आपने 2 क्वेश्चन मैम भेजे हैं वैसे। हाँ हाँ क्वेश्चन मैं कब भेज दिया मैंने, क्वेश्चन मैम 2 भेजा। हाँ एक मिनट। हाँ एक QB1 QB2 भेजा था, राइट 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 राइट, ठीक है मेरे, एक हाँ मिनट मैं अभी ओपन करके देख लेता हूँ इफ दैट इज सफिशियंट, या अगर नहीं है तो अभी बता देता हूँ, क्योंकि रैप अप करते हैं ना एक एक करके, अब सब खत्म। मैं तो सोच रहा हूँ संडे के टेस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी डाल लो, 3 चैप्टर हो जाएंगे तो और अच्छे से रहेगा टेस्ट, हम्म। है ना। तो एक मिनट, क्वेश्चन बैंक्स ना, डीबीबी क्यूबी एंड शीट्स, तो मैं वही सेकंड पीसी को ओपन ही कर रहा हूँ आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री QB1 भेजा है यार मैंने, आपने क्यों भी भेजा वर्ड इसमें अपलोडेड क्यों नहीं दिख रहा मुझे, एक के मिनट। फॉर्म में भेजा था। हाँ हाँ क्यूबी 2 वर्ड फाइल के फॉर्म में भेजा था, तो एक उससे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन थे शायद, वो आप देख लीजिए। आई थिंक 44 से 70 तक है, 72 है। हाँ अभी देखता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रुको ना, तो गूगल क्लासरूम पे ही होगा ना भेजा है, तो कब भेजा था अप्रोक्सीमेटली, चलो वो तो इसी पे अटैचमेंट में अभी मिल जाएगा, मैंने भेजा तो अटैचमेंट में होगा ही ना। मैं सेकंड पीस पर देखता हूँ उसको, तुम उसको कंटिन्यू करो, ठीक है, तुम पॉइंट नंबर 9 से कंटिन्यू करो, वो सेकंड पीस पर ढूंढता रहूँगा। पॉइंट नंबर 9 सर एक और चीज मुझे पूछनी थी, तो ऑर्गेनिक में हमारा बचता क्या है? अच्छा और एक और चीज, हमारा एक्चुअली ये प्री बोर्ड्स के आपस डेट्स आ गए, फिफ्टीन अभी क्या डेट्स हैं? तो ऑनवर्ड्स है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का 22 सेकंड को है। हाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अजीब सी चीज है, मतलब अचानक चेंज करते हैं फिर वापस करते हैं। इन्होंने तो बोला था कि अभी बहुत बाद में लेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बट काफी अचानक दे रहे हैं ये लोग सडनली चीजों को। इन लोगों से बात नहीं की वैसे कि अब इसके बाद नेक्स्ट ये प्री बोर्ड हो जाएंगे, फिर कब होंगे? उसके उसके बाद आई थिंक जनवरी में होंगे। बाद जनवरी में होंगे, ठीक है 22 सेकंड को है ना, कोई बात नहीं। तो नहीं अपना बच तो रही है ना बेसिकली अभी, ठीक है। फिर ये अभी इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी नहीं है इसमें, इस प्री बोर्ड में नहीं है ना। नहीं, इस प्री बोर्ड का सिलेबस सेम एज पहले वाला प्री बोर्ड, तो मेरा हो चुका है वैसे तो। ठीक है, पर मैं बता रही हूँ आपको कि उसका भी मतलब टेस्ट लेना पड़ेगा। नहीं, ऑर्गेनिक की पूरी प्रैक्टिस करनी है ना, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देन वी आर नॉट गोइंग टू डू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई भी डाउट आउट हो तो वो पूछ लेना पहले आधे घंटे में, बाकी फिर ऑर्गेनिक खत्म करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक में हमारा यही बचता है ना कि जो मतलब लाइक इंटर चैप्टर रिएक्शंस होते हैं, जो मतलब एक इस वही चैप्टर से पूरा जो रिलेटेड है। प्रैक्टिस होती है बेसिकली वो करेंगे ना, और हाँ तो वो एक इसी वीक में एक आध लेक्चर नेक्स्ट टर्म पे डिसाइड कर लेंगे, एक आध लेक्चर और रख लेंगे सैटरडे या संडे को, तो ऑर्गेनिक वगैरह भी इसी वीक में रैप अप करके फिर संडे को टेस्ट लेंगे उसका। टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे चैप्टर साथ में रिवाइज करने को हो जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। चलो टेस्ट भले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसका ले लेंगे, उसका अगला संडे भी है अपने पास में टेस्ट की, तो ऐसी कोई चिंता नहीं है। आप मेरे को एक काम करना, आज के लेक्चर के बाद या अभी अगर हो सके ना, आप मेरे को पूरा वो भेज दो डेट वाइज, कौन सी डेट को कौन सा है, तो मैंने जैसे पिछली बार बना के दिया था ना आपको, इस बार भी मैं एज इट इज बना के दे दूंगा ना आपको। हाँ ठीक है, ओके।
हम ना। डिस्कस, हाँ जी, हाँ ठीक, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। मेरे को डेट वाइज आप अगर वो अभी बता दो, या तो कौन सी डेट को कौन सा वाला आपका वो है एग्जाम। सर मेरा पहला वाला एग्जाम 15 को है, फिजिक्स का है, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा 17 को मैथ्स का एग्जाम है, और फिर एक मिनट रुको, ट्यूजडे केमिस्ट्री। हाँ मैं शीट ओपन करके नोटिस कर लेता हूँ। ठीक है, फिजिक्स 15th को, 15th ऑफ दिसंबर, दिस इज फिजिक्स। नेक्स्ट 15th दैट इज ट्यूजडे। दिसंबर फिजिक्स, क्या टाइमिंग है? 2:30 टू 4:30, 2:30 to 4, ठीक है। इसके बाद का कौन सा फिर इसके बाद मैथ्स का 2:30 टू 4, 17th को। 17 दिसंबर, मैथ्स सेम टाइम, 2:30 to 4 ही है। आगे ठीक है, फिर केमिस्ट्री 22nd ट्यूसडे, फिर 2 हफ्ते बाद। एक मिनट, इसके बाद 17th के बाद सीधा 22nd को ही है, उसके बीच में तो कुछ नहीं है ना। नहीं कुछ नहीं है। टाइमिंग सेम, 2:30 to 4। हाँ आगे केमिस्ट्री मतलब ये तो केमिस्ट्री तो कितना है, इसके बाद, मतलब इसमें अभी वो इंग्लिश कंप्यूटर साइंस इसके बीच में नहीं है, वो बाद में है इस बार, इसके बाद में इंग्लिश कंप्यूटर साइंस उसके बाद में आएगा। ठीक है, इससे पहले नहीं है ना। हाँ, और ये एग्जाम चलेंगे 30th तक मेरे। 1 मिनट, वो भी लिखवाई दो का, इसके बाद भी कौन सा है, क्योंकि अपना लेक्चर उस हिसाब से रखेंगे ना, वो भी डेट्स बता दो कौन सा इंग्लिश कंप्यूटर साइंस का है, वो भी 2:30 टू 5:30 के बीच में, तो मैनेजेबल है, थर्सडे को है। आई थिंक ये सारे जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो मतलब ओके, इंग्लिश वाला मंडे को है, 2:30 टू 5:30, तो हमारे से मंडे वेडनेसडे सैटरडे का डे होता है ना, है। वेट वेट, मंडे को डेट बोलो। मंडे 28, Monday 28 को है, और 2:30 टू 5:30 इंग्लिश। 28 दिसंबर, एंड देन 30th को, ये इस दिन है इंग्लिश, राइट? इंग्लिश, और उसके बाद मंडे को 6:30 टू 7:30 PE का भी होगा। अच्छा, 28 दिसंबर इंग्लिश भी है, और 28 दिसंबर को एक और है, वो कौन सा है? फिजिकल 7:30 तक चलेगा, PE का है, मतलब एजुकेशन, कंपलसरी सब्जेक्ट। हाँ फिजिकल एजुकेशन ना, हाँ कंपलसरी सब्जेक्ट। हाँ ठीक है। और उसके बाद 30th को है कंप्यूटर साइंस, हाँ 30th को कंप्यूटर साइंस, यानी वो वेडनेसडे को है, एंड दैट इज 2:30 टू 5:30। ठीक है। मैं नेक्स्ट मंथ से पहले आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल भेज दूंगा, आप देख लेना, दैट वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट मंथ, ठीक है? हाँ सर, हमारे कितने चैप्टर्स बचते हैं अभी केमिस्ट्री में? देखो लाइक ऑर्गेनिक का मतलब लाइक एक लेक्चर लगेगा शायद, ठीक है, अरे केवल और फिर क्या बचे? भाई, जितने लेक्चर वैसे भी मिस हुए, जेई मेंस के हिसाब से भी कवर करनी है ना, तो मैं वो दोनों को एक साथ ध्यान में रखते हुए बना के भेज दूंगा ना आपको। रिपोर्ट भी ढंग से देने हैं, प्लस जेई मेंस का भी पूरा करना ही है ना। हाँ सर, पर हाँ, हमारा दिसंबर तक हो पाएगा? दिसंबर तक तो शायद नहीं हो पाएगा, बट मतलब अभी कोई ऐसी हेडेक नहीं है ना, अभी तो रिपोर्ट के बाद भी अपने पास टाइम है ही ना अवेलेबल। नेक्स्ट रिपोर्ट तो बहुत बाद में रखना है ना। हाँ सर, पर मतलब मैं कह रही हूँ कि अभी क्या है कि पता नहीं ये लोग कब मतलब एग्जाम रख दें, ठीक है, बिकॉज क्या है कि हमारे टीचर्स मतलब एक दिन बोल रहे हैं कि एग्जाम शायद मई में होंगे, फिर कभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो मार्च में रख लेंगे, ठीक है, हाँ, तो सर वही वो डैड प्रॉब्लम रहती है। बता रहे थे वो, कि पहले उन्होंने बताया, वही डैड ने बताया था, कभी मई का बोल रहे हैं कभी मार्च का बोल रहे हैं, वो उनका कुछ समझ में नहीं हाँ आया बेसिकली। नहीं कोई बात नहीं, अपने तो जो मिस्ड लेक्चर था, मैंने ये शेड्यूल पे इसलिए लिया, एक तो प्री बोर्ड का तो अच्छे से करना ही है, प्लस जो भी मिस्ड लेक्चर हुए हैं वो मैं प्रॉपर बैठ के देख लूंगा, बीच में डाल दूंगा ना, दिसंबर नहीं तो मिड जनवरी तक वो भी कवर कर लेंगे। एक चीज मुझे और बोलनी है कि सर आप सिर्फ मंडे वेडनेसडे और सैटरडे हेलो, लेंगे इसको, करते हैं आगे फटाफट। अच्छा, आपने ऑर्गेनिक के जितने भी वो जेई मेंस वाले सब मैंने भेजे हुए हैं असाइनमेंट वगैरह, वो सब कंप्लीट कर लिए हैं ना? हाँ सर ठीक कर है लिया, ठीक कोई है। हाँ अभी, खास अभी रेडियस ऑफ दिस M2O3, हाँ आगे बढ़ो फटाफट।
and two or three oxides of transition element should be radii of M3+ ion are slightly greater than that of Ga3+ ion equal to 0.62 A. So then M2O3 oxides of transitional elements should be similar to but less slightly as acidic, more basic than Ga2O3. ठीक है, hydration energy of M3+ ion is less than that of Ge3+ ion. ज़्यादातर periodic properties and GIC जैसा ही है, कुछ कुछ जो main काम की चीजें हैं वो मैं पहले बताता जाता हूँ. 2.4 में ionization potential, बाकी आप read कर लेना, वो वही है जो periodic properties and GIC में हम लोग कर चुके हैं. पॉइंट नंबर 4 तक कुछ खास नहीं है इसमें. देन पॉइंट नंबर 5 ऑन अकाउंट ऑफ दिस काउंटर इफेक्ट्स. पॉइंट नंबर 5 पढ़ लो. On account of these counter effects, the ionization potential is increased rather slowly on the moving in a period of the first transition series. Ionization potential is increased rather slowly on moving in the period of the first transition series. Counter effects क्या थे सर, नीचे दिखाई पता चलेगा ना. क्या हुआ? Counter effects क्या थे, मतलब ये पहले वाले पॉइंट को रेफर कर रहा होगा शायद. वही पॉइंट नंबर 4 पढ़ लो. पॉइंट नंबर एक मिनट में पढ़ लेती. फर्स्ट और बोल दोनों ही पढ़ लो. Here is a transition element. The addition of extra electron in the N-minus d provides a screening effect which shields the outer NS electron from the inward pull of the positive nucleus. As the effect of increasing nuclear charge and shielding effect created due to expansion of N-minus 1d orbital oppose each other. Achha. ठीक है. पॉइंट नंबर 5 ठीक है, अब समझ में आ रहा है सर. 5, 6, 7, 8 पूरा प्रो. The I1 of the for the four first four 3D block elements SC, TI, V and CR differ only slightly from one another. Similarly, the value of Fe, CO, Ni and Cu are also are fairly close to one another. ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम जेड एन इज कंसिडरेबली हायर ड्यू टू द एक्सेसिबिलिटी ऑफ 3d10 4s2 लेवल व्हिच इज कंप्लीटली फिल्ड इन जेड एन एटम. ठीक है, आई टू आर सीन टू इंक्रीज मोर और लेस रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर. आई टू वैल्यू फॉर सी आर एंड सी यू आर हायर ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ सी आर एंड सी यू प्लस आयन और एक्सेसिबल इन 3d5 एंड 3d10 लेवल्स. पॉइंट नंबर 12 पढ़ लो. However, the third member of 5D series has higher value than the second member 4D series due to lanthanide contraction. 5D series has higher value than the second member due to lanthanide contraction. Higher value of ionization potential. अच्छा, ठीक है, तो वही है इसका पहले वाला जो पढ़ा था उसी का पार्ट था. सर एक्चुअली हम 5 मिनट रुक सकते हैं, मैं खाना खा लूँ. Yeah, 5 minutes left.
आगे आप स्क्रॉल कीजिए। देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज रीच समवेयर इन द मिडिल ऑफ द सीरीज। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट कैन बी कोरिलेटेड विद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 3D नॉट, 3D 5 एंड 3D 10 कॉन्फिगरेशन टू सम एक्सटेंट। 3D नॉट इज TI 4 प्लस, 3D नॉट इज मोर स्टेबल एंड TI 3 प्लस, 3D 1 MN 2 plus 3D 5 is more stable than MN 3 plus 3D 4. Higher oxidation state of 4D and 5D series element are generally more stable than those of the element of 3D series. मैंने वो देखा, एक ही तो क्वेश्चन बैंक भेजा है मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो QB1 नाम है उसका। बाकी तो जो वर्ड फाइल जो भेजी है वो तो DPP1 DPP2 है। अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो। नहीं सर, उसके बाद अपने आखिर में अपने वर्ड फाइल में एक QB2 भेजा था। एक सेकंड में आपके पास है अभी वो, मेरे को भेज दो। एक मिनट मैं खोल रही हूँ। QB1 तो है। एक सेकंड मैं हाँ से खोल देती हूँ। सेकेंड थिंग, मैं आज नहीं तो कल 12 बजे से पहले पहले आपको एक एक्सेल शीट भेजूंगा, इनफैक्ट ऑनलाइन गूगल स्प्रेडशीट, उसको आप मुझे फिल करके लास्ट टू लास्ट बेसिकली कल शाम को दे देना। हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे, वो मैं उस वो बनाऊंगा जिससे मुझे स्टेटस पता चल जाए अभी प्री बोर्ड के सिलेबस के सारे चैप्टर का, किसमें कौन सा असाइनमेंट आपने कम्प्लीट किया है। उसमें आपको खाली 3 ही चीजें लिखना है, यस मतलब यस भी नहीं, कम्प्लीटेड, येट टू कम्प्लीट, और थर्ड बेसिकली अपना ये डाउट्स, मतलब जिसमें डाउट डिस्कशन करना है आपको, आपने कंप्लीट कर लिया, हमारे देना डाउट डिस्कशन कंप्लीट हो गया, डाउट डिस्कशन वगैरह भी सब कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं है उसको कंप्लीट लिख देना, और लास्ट एक हो गया कि येट टू कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं उस हिसाब से ही टाइम टेबल बनाऊंगा। ठीक है, ओके। कल 12 बजे के बाद आप उसको चेक कर लेना, वो आपको मिल जाएगा, तो कल रात तक भी भेजोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि परसों है ना अपना लेक्चर, तो फिर मैं आपसे शेड्यूल बना करके दे दूंगा परसों का, तो वैसे भी डिसाइडेड ही है कि क्या करना है। हाँ अच्छा, कि कल शाम तक मेरे को वो आप रिटर्न भेज देना, क्योंकि मैं फिर कल रात को बैठ के उसको बना दूंगा, जो मुझे परफेक्ट क्लैरिटी रहेगी कि बोर्ड के हिसाब से क्या हुआ है, जेईई मेंस के हिसाब से क्या हुआ है, वो पूरा क्लियर होना चाहिए, आगे के भी टॉपिक्स होगी मेरे को बनाना है, एक्स्ट्रा लेक्चर कौन सा टॉपिक का कब रखना है। हाँ मिला ये, हाँ सर, एक सेकंड में ढूंढ रहे हैं ये। चलो कोई बात नहीं, वो मिल जाए तो आप मेरे को बाद में भेज देना, अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर, वो DPP2 टाइटल है। हाँ वो DPP2 है ना, उसका नाम DPP2 है। हाँ 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 ओके, हाँ इसको आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे इस वजह से, फिर एग्जांपल ये पढ़ लो, ये पॉइंट नंबर 2 के एग्जांपल ए और बी पढ़ लो, हम्म, पढ़ लो।
oxidation state of 4D and 5D series element are generally more stable than those of the element of 3D series. Okay. For example, MO6 MO6O4 twice TC7O4 minus 3 4D series element and W6O4 twice RE7 are more stable and in which transition element concerned show their maximum oxidation state are strong oxidizing agents Cr6O2. Higher oxidation state of 4D are generally more stable than those of element of 3D. पर ऐसा क्यों है सर? Coordination compound. 5D greater than 4D greater than 3D. Central atom का size बड़ा हो जाता है ना, coordination compound बनते हैं तो oxidation state higher हो जाती है. हाँ, ठीक है. Age of formation of complex compounds. समझे. आगे. इसमें 90% चीजें तुम्हारी पढ़ी हुई होंगी, क्योंकि मैंने बताया था ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, जीआईसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चार चैप्टर है और पांचवा वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस. इसमें पूरा इनऑर्गेनिक कवर हो जाता है, मतलब ब्लॉक्स जो भी आएंगे वो बेसिकली रिवीजन है उसमें 90%. हाँ, आगे बढ़ो. अभी जैसे एज ऑफ नाउ अगर आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक करोगे तो एस ब्लॉक तो ठीक है, लेकिन पी ब्लॉक आपको कुछ नया नया लगेगा, लेकिन अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ने के बाद पी ब्लॉक करोगे तो वो भी 90% कंप्लीट है. समझ हाँ, आगे बढ़ो. एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो इनका. ये और भी एग्जांपल नहीं, इसका तो पढ़ लिया मैंने, 3D वाले का स्ट्रॉन्गली रेडी. अगला वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 के. ये और भी पढ़ लिया ना? हाँ ठीक है. स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग स्टेट पायरेट और नॉर्म. हाँ, ये भी पढ़ लो. थर्ड strongly reducing states probably do not form fluorides or oxides but may well form the heavier halides. Conversely, strong oxidizing state from oxides and fluoride but not bromide and iodide. Reason steric hindrance. इतना बड़ा साइज हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड वीक हो जाएगा. हाँ, PBr5 exists, Pi5 doesn't exist. वही की बात है बेसिकली. आप ऐसे कह लोगे F2 is a strong oxidizing agent and F negative reducing agent और its size के हिसाब से बात बराबर ही है. D similarly highly electronegative and small oxides are formed. सही है. All transition ions in their lower oxidation state like to form ionic compounds. हाँ, तो lower में तो बनाएंगे ना फजान रूल. हाँ हाँ. इसके बाद ये तो वही दिया हुआ है, ionic, less ionic, basic, amphoteric. देख लो एक बार quickly. सामने कर ये ऐसे एक कोवेलेंट. ठीक है. हाँ अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, ये थर्ड का पार्ट एक बार दोबारा पढ़ो, मतलब इट इज ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से भी काफी रिजेंबल करता है. इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, एक बार थर्ड का पार्ट ए पढ़ो जरा. हाँ, थर्ड का पार्ट ए स्ट्रॉन्गली हाईलाइट किया हुआ है ना, मैंने खाली उतना पार्ट. वी रिएक्ट विद हैलोजेंस टू फॉर्म
VF5, VCl4, VBr3, but doesn't form VBr5 or VI5 because in +5 oxidation state, V is strong oxidizing agent, thus convert Br minus and I minus to Br2 and I2 respectively. So VBr3 and VI3 are formed, but not VBr5 and VI5. हाँ ये तो आपने बताया था ना. Starting से, starting से देखो, vanadium reacts with halogen to form VF5, VCl4 and VBr3. But doesn't form VBr5 or VI5 because in +5 oxidation state, vanadium is strong oxidizing. V plus 5 हो गया तो अब तो basically strong oxidizing ही होगा ना, सारे electron तो दे चुका है. हाँ. तो strong oxidizing होने की वजह से thus converts Br minus and I minus Br2 and I2. एक तो ये reason है, दूसरा reason steric intensity है ना. क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है और तो उसके 3 तक तो ठीक है, 4 और 5 बेसिकली वैसे भी अनस्टेबल होंगे, क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो दोनों रीजन हैं, क्लियर हो? हां समझ गए. राइट. अच्छा, F2 इसमें F2 इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो F माइनस इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट. बट Br माइनस एंड I माइनस आर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ. Br माइनस और I माइनस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से बहुत जल्दी Br2 I2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि F2 और Cl2 नहीं होता है. हाँ. समझ आई बात? सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इधर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है Br और I के केस में, विच इज नॉट द केस इन केस ऑफ F एंड Cl. क्लियर हुआ? देयरफॉर F2 एंड Cl2 आर नॉट फॉर्मड. हाँ. समझ गया ना? एंड सिंस F2 एंड Cl2 आर नॉट फॉर्मड, तो फिर वो VF5 और VCl4 बन जाता है. क्लियर हुआ? हाँ. अभी ये वाला जो चार्ट है, जो जो मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, खाली वो एक बार ध्यान से पढ़ते जाओ, ये चार्ट पूरा देख लो. सर ये वाला चार्ट मतलब लेसानिक एम्फोटेरिक कर दिया, मतलब लेसानिक मतलब एम्फोटेरिक है. लेसानिक बेसिक एम्फोटेरिक कोवेलेंट एंड एसिडिक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड. नहीं मतलब लेस आयनिक एम्फोटेरिक ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं. एम्फोटेरिक तो वही होता है ना, बेसिकली जो एक ही ऑक्साइड है, मतलब एक ही मेटल है, तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, पीछे बेसिक होगा. हाँ तो मतलब कह सकते हो बिकॉज पॉजिटिव ऑफ एक सेकेंड देखने दीजिए. एक मिनट आप. हाँ ठीक है. हाँ सिस्टर ठीक है. मतलब वो कन्वर्सली ट्रू है, बेसिकली हार्ड एंड फास्ट डायरेक्ट कोरिलेशनशिप नहीं है, बट हाँ व्हाट इट इज राइटिंग इज एक्चुअली एप्लीकेबल. यू कांट से इट एज अ रीजन, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, राइट? और जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता ही है फजान रूल. तो ठीक है, कोरिलेशन वाइज सही है. आगे बढ़ो तो स्क्रॉल कीजिए.
ठीक है ये तो क्लियर ही है, वो पहले का देखा ही हुआ है। तो इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्लोराइड कंपाउंड एंड ऑक्साइड हाइड्रोलिसिस एंड रिएक्टिविटी ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो फॉर्म कंपाउंड्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट 1.0 कंपाउंड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनस्टेबल वेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फ्रॉम पाई बॉन्डिंग लिगेंड। एक मिनट रुको जरा, NiCO4 ये फर्स्ट वाला तो कुछ मिसप्रिंट है, AgCN होल्ड ट्वाइस माइनस, हाँ ये समझ में आता है, फर्स्ट वाला NiCO4 होगा तो वो तो मिसप्रिंट है, AgCN होल्ड ट्वाइस माइनस, हाँ तो ये कैसे बना, कॉपर सिल्वर गोल्ड D10S1 है और वेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग लोन पेयर फ्रॉम पाई बॉन्डिंग लिगेंड। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बेसिकली जो लिगेंड है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, जो पाई बॉन्डिंग वाला लिगेंड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट इज एक्टिंग एज अ डोनर साइट। समझ में आई बात, समझ गया। आगे बढ़ो। एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट ई नॉट डेटा प्रोवाइड, वो तो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उसकी स्टेबिलिटी का पता चलेगा। इसके बाद इन एसिडिक मीडियम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल विद बेसिक मीडियम दी शो पैलेडियम कॉपर सिल्वर गोल्ड हैव डिफिकल्ट ट्रांजिशन मोस्ट ऑफ। ठीक है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का बता रहा है वो, तो जिंक के केस में वही जिंक प्लस तो वही फुलफिल्ड जो होंगे वो स्टेबल हो जाएंगे, ये हो गया। इसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड इन सब्सटेंस ग्रेटर देन एच मैग्नेटिक सब्सटेंस अलाउ, ये पढ़ लो पॉइंट नंबर 3, 3, 4, 5 जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने वो पढ़ लो। Paramagnetic substance allow the magnetic lines of force to pass through them rather than vacuum and show increase in weight. Thus, paramagnetic substance attract line of force and it is free to move. Thus, a paramagnetic material will move from a weaker to a stronger part of the field. Paramagnetism arises as a result of unpaired electron spin in the atom. ये तो पता है। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ। If the field of substance is the substance is diamagnetic. Diamagnetic material tend to repel line of force and alien themselves perpendicular to the magnetic field. It is harder for magnetic line of force to travel through diamagnetic substance than through a vacuum and show a slight decrease in weight. Such material will tend to move from a stronger to a weaker part of the field. समझ गए? क्योंकि वो तो इसलिए क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रॉन पहले ही हैं, mutually cancel हो चुके हैं। Paramagnetic effect is much larger than the diamagnetic effect. Ferromagnetism. Okay. Ferromagnetism is a type of paramagnetism in which permanent magnetic moment is acquired by the substance due to presence of unpaired electrons. It is shown by FeCO and Ni. Transition metals and many of the compounds show paramagnetic behavior where there are unpaired electrons. मैग्नेटिक मोमेंट्स मैग्नेटिक मोमेंट अराइज फ्रॉम स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस इन आयंस और मॉलिक्यूल्स। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस व्हेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज म्यू इक्वल टू रूट ओवर एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। हाँ ये पता है, इसे ये तो पता है। एग्जांपल सॉल्व करो। Chromium forms the most stable compound in the following oxidation state. Chromium. ठीक है, क्रोमियम को ठीक
वन होना चाहिए ना, सी आर वन होना चाहिए ना। नहीं, सी आर प्लस तो ये देखो आ गया। नहीं पर वो 3D5 हो जाएगा ना, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड पूछ रहा है। ये वाला पॉइंट करो, देखो जो है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ। Element exists in more than one oxidation state. E naught data provide a clue to relative stabilities of different state with respect to oxidation. Cr2 is unstable with respect to oxidation, whereas Cr3 is stable in water. और ये water की बात है ना? Fe2+ unstable in aerated water and change to Fe3+ with respect to oxidation. Air is basic in nature. In acidic medium, lower oxidation states are stable. Whereas in basic medium, these metals show higher oxidation states. पर सर तो वाटर की बात हो रही थी ना। हाँ तो वाटर में ही बात हो रही है ना, मतलब उसमें कंफ्यूजन क्या है? सही तो है, क्या दिक्कत है? सॉल्वेंट तो मतलब कुछ नहीं मेंशन है तो वाटर ही होता है। ओके ठीक है, ओके। आगे बढ़ो। Which of the following complexes the oxidation number of metal is zero? तो calculate करके आ जाएगा। ऐसे आता है करूँ फिर भी। कुछ यार माइनस टू माइनस तो प्लस टू हो जाएगा फिर इसका। थोड़ा हो गया ना, तो वो होम असाइनमेंट में कर लेना ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हाँ वो करो, एग्जांपल 5 करो। Which of the following transition metal ions is diamagnetic? CO2+, Na2+, 5. हाँ, which pair is colorless? Mn2+, Zn2+, Sn2+। Actually मैं एक सेकंड को लिख ले, मैं पीरियोडिक टेबल बना के कर लेती हूँ तो इजीर पड़ जाएगा मुझे, एक मिनट। कलरलेस कौन से हैं? टू प्लस
मैं लेक्चर में हूँ, मैंने आपको देखो व्हाट्सएप किया है अभी, चेक करो। मैं लेक्चर में हूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है अभी। हाँ जी बेटा, हाँ सर एक सेकंड। और मैं लेक्चर में हूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, व्हाट्सएप चेक कर लीजिए। मतलब Zn 2 प्लस Sc3 प्लस होना चाहिए। सही है, कुछ एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करो फटाफट। जीरो विल बी शून बाय द कंपाउंड विच जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें। ओके देखते हैं। सीआर जब कर निकालते हैं ना, सीआर NH3 है तो प्लस प्लस 3 हो जाएगा, सीआर प्लस 3। एजी माइनस वन नहीं, CN2 है ना, CN2। ओके प्लस FeCN6। Fe3 प्लस 0 नैनोटेम होगा तो CuF6 CuF6 फिर माइनस -3। कोबाल्ट प्लस 3 अच्छा देख पीटी प्लस नीचे से एजी होगा ना, एजी प्लस सर बी। हाँ बी है, सही है। ठीक है, आगे फॉर्मेशन ऑफ कलर डाइन करो बड़ा अनलाइक द कटायन एनायंस एंड ऑक्सी एनायंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑल ऑफ व्हिच आर कलर्ड एज ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड द ऑक्सी एनायंस सच एज CrO4 2 माइनस येलो, Cr2O7 2 माइनस ऑरेंज एंड MnO4 माइनस पर्पल आर जनरली कलर्ड। पॉइंट फोर ऑनवर्ड्स द डीजेनरेसी ऑफ द 5d ऑर्बिटल इज रिमूव्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड्स। पॉइंट नंबर 2 से पढ़ लो। ओके the color of the compound of transition metal may be attributed to the presence of incomplete and minus 1d subshell in case presence of वो तो है, in case of free metal ion all the 5d orbitals are assumed to be degenerated, they have that is they have the same energy. Free metal ion मतलब हाँ नहीं ये क्या है, मतलब 5d orbitals assumed to be generated, ये क्या है? Coordination compound में सबसे पहले free metal ion होता है, उसके बाद excitation होता है, फिर splitting होता है P2G और EG में। हाँ उसकी बात कर रहा है। अच्छा राइट
आगे पढ़ते जाओ ना, अभी लिगेंड अप्रोच करेंगे ना, नीचे पढ़ो बहुत पॉइंट समझ में आए। Degeneracy of 5d orbitals is removed under the influence of ligands. हाँ ठीक है, separation of 5d orbital of the metal into sets having different energies with T2g level, ठीक है, then Eg level which is doubly degenerate, to pre-degenerate and is of low energy. हाँ आगे पढ़ते हो, फिर इन सच केस ट्रांजिशन मेटल आयन एब्जॉर्ब्स लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ इन विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 4000 टू 7000 एंग्स्ट्रॉम एंड मे अंडरगो डीरी ट्रांजिशन। वे डीरी ट्रांजिशन क्या है, नीचे स्क्रॉल कीजिए तो वो पिक्चर्स देखता हूँ। कौन सा पॉइंट है, 7 6 पॉइंट पर Eg, dd transition, तो ये क्या HV, तो energy pass हुई, फिर T2g1, ये क्या है सर? T2g and dg transition, T2g और dg का splitting? हाँ point number 7 पढ़ो, समझ में आ जाएगा। Transmitted light is colored with the complementary colored. A factors affecting color of complex. अच्छा, वो color of transition metal complex depend on magnitude of energy difference between two levels. Delta naught increase in magnitude of delta naught it decreases well wavelength of light absorbed by the complexes. अच्छा, ये तो था coordination compounds में था. Thus, with the decrease in the color of complex changes from red to violet. ठीक है. Yeah. हाँ. Standard OP and RP properties. Normal है तो electrochemical series से related अपना हुआ है, बाद में पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं है इसमें। फिर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिवील्स द वैल्यू फॉर एनी एलिमेंट एक्सेप्ट Cu इज हायर देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टेकन एज जीरो। फोर्थ some of the metals get protected from further attack of acid due to formation of a thin protective layer of the oxide, huh, which prevent the acid to come in further contact with metals. ये पता मुझे आगे। Part A, पढ़ो ना Part A. Although E naught OX of Cr is higher, it gets coated with its non-reactive oxide Cr2O3, which makes the Cr metal so unreactive that it can be used as a protective non-oxidizing, metals. Now, in spite of the fact that metals of the first transition series except Cu have high value of E naught OX, these are not good reducing agent as the metal of 1A, 2A and 3A groups. 7, 8. Poor reducing capacity of the transition metal is due to high heats of vaporization, high ionization potential, and low heat of hydration of their ions. Transition metal is due to high heats of vaporization, high ionization potential, and low heat of hydration of the ions.
ठीक है आगे। नेट जीरो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑन ट्रांजिशन मेटल्स तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑल्ट में फॉर्म ये पढ़ा हुआ है तुमने, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह है, फॉर्मेशन ऑफ ये पढ़ लो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल स्मॉल नॉन मेटालिक एटम सच एज एच बी सी एन एक्सेट्रा आर एबल टू ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ लैटिस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स टू फॉर्म कॉम्बिनेशन विद द टर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। दीज आर नॉन स्टोशियोमेट्रिक इन नेचर एंड डू नॉट फॉलो द कॉमन रूल ऑफ वैलेंसी। दीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज पैरेंट मेटल बट डिफर अप्रिशिएबली इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी हार्डनेस एंड कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ? फेस ऑफ टू फॉर्म कॉम्बिनेशन व्हिच आर अच्छा तो एचबीसीएन और डी नॉट फॉलो कॉमन रूल ठीक है ठीक है आगे। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज मैंने ट्रांजिशन मेटल्स मैंने ट्रांजिशन मेटल्स वही एज अ कैटलिस्ट फॉर्म में आता है, बहुत सारे कैटलिस्ट यहाँ दिए हुए हैं देखो, V2O5 हुआ, MnO2 हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑल। हाँ वैनेडियम ऑक्साइड कन्वर्ट SO2 टू SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मेकिंग H2SO4 यूज एज अ नहीं, कैटलिस्ट टू पहले डीकम्पोज पूरी पढ़ सी। लेना, ज्यादातर पता ही है ये। 2.13 पढ़ो, नॉन स्टोइकोमेट्री। नॉन स्टोशियोमेट्री द ट्रांजिशन एलिमेंट समटाइम्स फॉर्म नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ इंडेफिनिट स्ट्रक्चर एंड प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल आयरन टू ऑक्साइड FeO शुड बी रिटन एज बार अबव द फॉर्मूला over the formula FeO to indicate the ratio of Fe and O atom is not exactly 1:1. Okay, that is 0.940, F is 0.840, and VSE to is kaha chahiye ki VSE 1.2 matlab wo 0.98 se अच्छा, तुम्हारी जो ठीक है परफेक्ट तो केमिस्ट्री है सृष्टि, उसमें एक तो क्वेश्चन बैंक करते हो और उसके बाद उसकी अनसॉल्वड एक्सरसाइजेस करते हो, राइट? हाँ ठीक है ना, ठीक है। हाँ पढ़ो आगे, पढ़ो नॉन स्टोइकोमेट्री। तो नॉन सोशियोमेट्री तो हमेशा मत तो समटाइम्स फॉर्म जी समटाइम्स फॉर्म करता है। अच्छा ओके ऑफ इनडेफिनेट स्ट्रक्चर एंड प्रोपोर्शन नॉन सोशियोमेट्री शोन पर्टिकुलरली अमंग ट्रांजिशन मेटल्स और मेटल कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ओके ओ एस एस ई टी ई इट इज मोस्टली ड्यू टू द वेरिएबल वैलेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समटाइम्स नॉन स्टोशियोमेट्री इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन सॉलिड स्ट्रक्चर। तो वेरिएबल वैलेंसी के वजह से मतलब परफेक्ट रेशियोज में नहीं कंबाइन करते हैं ये कह रहा सीधी है। बात है, साइज बहुत बड़ा है तो वो बीच में उसके जो वॉइड्स हैं उसके अंदर आकर के ऑक्यूपाई हो जाते हैं ना, उसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। अच्छा ठीक है वेकेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर बीच में आकर के फिट हो गए। हाँ, अभी एलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ अलॉयज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्वाइट सिमिलर इन एटॉमिक साइज। द एटम ऑफ वन एलिमेंट मेटल कैन सब्स्टिट्यूट द एटम्स ऑफ अदर मेटल इन इट्स क्रिस्टलाइजेस। वन मेटल कैन सब्स्टिट्यूट एटम्स ऑफ अदर Else in crystallizes. Thus, on cooling a mixture solution of two or more transition metals, two more solid alloys are formed. Alloy containing mercury as one of the constituent elements are called amalgams. Huh. Purpose of making alloy is to develop some useful properties which are absent in constituent elements. Sir, aage. Third point. सही यहाँ से पढ़ लिया मैंने। एलॉय फॉर्मेशन समझ में आया? ठीक है, समझ गए। अभी मरकरी वाले को बस अमलगम्स कहते हैं। सॉल्व करो एग्जांपल नंबर 7, 7, 8।
7, 8. Oxidation number is changed in which of the following cases? एक सेकंड. SO2 gas is. हाँ सर एक सेकंड, पापा बुला रहा है. हाँ आई. ओके तो कौन सा था? सेवन वाला करना. ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? एसओ टू गैस इज पास इनटू सीआर टू ओ सेवन टू माइनस सेवन. ठीक है तो असाइनमेंट कर लेना. ठीक है. कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम डाई कार्बोनेट के टू सी आर टू होता हूँ. क्रोमाइट और एफ सी आर टू फोर से बनता है. उसका प्रिपरेशन दिया हुआ है क्रोमाइट और में सोडियम हाइड्रोक्साइड वो तो सॉल्वेंट लिया है. ऑक्सीजन एयर ऑक्सीडेशन कर दिया उसका. एन ए टू सी आर ओ फोर बन गया सोडियम क्रोमाइट और एन ए टू सी आर ओ फोर सोडियम क्रोमाइट. एक मिनट. अच्छा वही ऑक्सीडेशन का था उसका. तो ये जो क्रोमाइट हो रहा है फाइनली K2Cr2 है. Cr2 O7 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर. फिर है कन्वर्जन सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोम. वही Na2ClO4 डाइल्यूट H2SO4 से Na2Cr2 O7 में कन्वर्ट हो गया. अभी ये इसमें ऑक्सीडेशन वही ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्चुअली Na2ClO4 Na2Cr2O7 ये बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है. राइट. वो एक्चुअली एक बेसिक फॉर्म है एक एसिडिक फॉर्म है. वो नेक्स्ट टर्न पे याद दिला देना. बैलेंसिंग भी बता दूंगा. रिएक्शन की बैलेंसिंग बाकी है ना अभी वो भी बता देता हूँ नेक्स्ट टर्न पे आपको. वो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एसिडिक फॉर्म है कौन सा बेसिक फॉर्म है. यप. अच्छा अभी तो आज अगर ये अभी टाइम मिल जाएगा तो अभी बता दूंगा. ये हो गया. इसके बाद कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट वो तो KCl डाल दो. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सीधा सीधा. चार प्रॉपर्टीज ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन हो तो इनके कलर्स होते हैं याद रख लेना. काम की चीज है. जो क्रोमेट होता है वो येलो होता है. डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है. Cr4 2- येलो मिलेगा और ये ऑरेंज मिलेगा डाइक्रोमेट. ठीक है. Crystalline compound having melting point 670 Kelvin. It is moderately soluble in cold water but readily soluble in hot water. So sorry, hot water is readily soluble होते ही. K2Cr2O7 करेंगे. Dichromate से chromate में convert हो गया और क्या हुआ? देखो गया ना pyrolysis. Alkalis. तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया. नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है ये. क्रोमेट से वो OH- मतलब इसमें बेस से रिएक्शन करवाई. एक काम करो ना अभी लिख ही लो तो मैं खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा बेसिक फॉर्म है कौन सा एसिडिक फॉर्म है. कोई भी एक ले लो ना. जैसे Na2ClO4 है लेफ्ट साइड में लिखो Na2ClO4 राइट साइड में लिखो Na2Cr2O7.
देखा अब देखो लेफ्ट साइड में Na2CrO4 है और राइट साइड में Na2Cr2O7 है। बैलेंस करने की सबसे पहले इसका सेंट्रल एटम को बैलेंस करना पड़ेगा तो लेफ्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनफैक्ट एक काम करो ना आयनिक फॉर्म में लिख लो Na2 ये कट कर दो सिंपल लिखो Cr4 2 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cr2O7 2 माइनस बाकी तो सब आयंस हैं वो तो आयन के फॉर्म में मैं लिख ही दूंगा। हां तो Cr4 2 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cr2O7 2 माइनस ये रिएक्शन लिखो इसके बाद बताओ। अभी इसके अंदर लेफ्ट साइड में एक इक्रोमियम है तो लेफ्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सही है। अब जब लेफ्ट साइड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्रोमियम तो हो गया बैलेंस ठीक है। अब लेफ्ट साइड हो गई CrO4 2 माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन हो गया 8 राइट साइड में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं 7 राइट साइड में कितने ऑक्सीजन हैं 8 मतलब नहीं एक सेकंड लेफ्ट साइड पे 8 है और राइट साइड पे 7 है राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड में एक वाटर ऐड कर दो प्लस H2O ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाँ किया अभी हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में 2 H+ ऐड कर दो हो गया ये हाँ ठीक है ना। तो इसका मतलब Cr4 माइनस की रिएक्शन जब H+ से होगी तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा हाँ हो जाएगा यही हो रहा है ना हाँ राइट। तो ये देखो रिएक्शन नंबर बी में भी यही हो रहा है ये क्रोमेट क्रोमेट की रिएक्शन H+ से जब करवाई गई एसिड से तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया हाँ ठीक है। समझ गए ये तो हुआ एसिडिक मीडियम में। अभी इसके बाद में अगर मुझे बेसिक मीडियम में देखना हो तो क्या करूंगा तो मुझे H+ को गायब करना पड़ेगा तो लेफ्ट साइड में कितने H+ है 2 H+ हाँ लेफ्ट में और राइट में 2 OH- ऐड कर दो दोनों साइड में प्लस 2 OH- प्लस 2 OH- या अब लेफ्ट साइड में जो 2 H+ और 2 OH- है उसके ऊपर एक सर्कल करो ये है 2H2O हाँ अब ये 2H2O है और राइट साइड में एक वाटर है कैंसिल कर दो लेफ्ट साइड में खाली एक H2O बच जाएगा ठीक है। अब राइट साइड में Cr2O7 2 माइनस OH- से रिएक्ट करता है तो वो क्रोमेट बनाता है। हाँ रिएक्शन नंबर ए देख लो यही है जब डाइक्रोमेट बेस से रिएक्ट करता है तो क्रोमेट बनाता है ये रिएक्शन नंबर ए है देख लो जो रिएक्शन नंबर ए आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है देखो यही रिएक्शन है। देखता समझ गई बात रिएक्शन नंबर ए के 2Cr2O7 2KOH टू के वेज हाँ सही है ना। अच्छा कंक्लूड हुआ ना डाइक्रोमेट को बेस से रिएक्ट करवाओ तो क्रोमेट बनेगा क्रोमेट को एसिड से रिएक्ट करवाओ तो डाइक्रोमेट बनेगा ये समझ में आया बेटा समझ गए क्लियर है आगे बढ़े हाँ चलो ये हो गई बैलेंसिंग इसी तरीके से होती है पहले सेंट्रल एटम फिर ऑक्सीजन उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद H+ को हटाना हो तो OH- ऐड कर देना दोनों साइड जितने भी रेडॉक्स बैलेंसिंग है जो भी मेथड बताया ना सारी रेडॉक्स बैलेंसिंग इसी तरीके से होने वाली समझ गए ठीक है। इसके बाद क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ठीक है क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगा वैसे ये K2Cr2O7 को डाइक्रोमेट की रिएक्शन एसिड से करवाई इसने तो ये इसको जोड़ दो ये उसमें आएगा अपना क्या नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस चलो पढ़ी लो क्योंकि ये डी ब्लॉक का भी पार्ट है। K2Cr2O7 में देखो क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6 है हाँ
CrO3 में भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है, तो डाइल्यूट एसिड उसको जब आपने ऐड किया, फॉर्मल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं इसको, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, CrO3 में बस कन्वर्ट हो गया वो, नॉन रिडक्शन ठीक है। उसके बाद ये जो CrO3 है, ये डाइल्यूट HCl से, ये सब डाइल्यूट एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी नहीं है, डाइल्यूट एसिड से HCl से जब रिएक्ट करता है CrO2Cl2 बनाता है, यहां भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 ही है, बस ये जो CrO2Cl2 बनाता है इसकी वेपर्स आती है, इसको कहते हैं ब्रोमाइल क्लोराइड, समझ लो ये ब्रोमाइल क्लोराइड है, पॉइंट डी पढ़ो, व्हेन ब्रोमाइल क्लोराइड वेपर्स आर पास थ्रू NaOH सॉल्यूशन, इसके बाद ब्रोमाइल क्लोराइड की वेपर्स को NaOH सॉल्यूशन के थ्रू पास किया जाता है नीचे पार्ट बी में, तो सोडियम क्रोमेट बनता है येलो सॉल्यूशन, येलो कलर आ जाता है तो टेस्ट हो जाता है, क्लोरीन का टेस्ट है Cl- का, बहुत फेमस टेस्ट है ब्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl के साथ लेकर के CrO2Cl2 की वेपर्स उसको NaOH के साथ में जब पास करते हैं तो सोडियम क्रोमेट का येलो सॉल्यूशन बनता है, दिस इज नोन एज ब्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, याद रखना बहुत काम का टेस्ट है, मतलब काफी समझ गए। क्लियर? हाँ डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, तो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाएंगे ठीक है CrCl3 बन जाएगा, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कुछ खास नहीं, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो ऑक्सीडाइजिंग तो होता ही है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा तो ऑक्सीडाइज कर दिया और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया, Cr+6 से +3 में कन्वर्ट हो गया, वही नीचे एक्सप्लेन किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, Na2Cr2SO4 Ga2Cr2SO1 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट Ga2Cr2SO1 को प्रेफर करते हैं वो सोडियम की वजह से, सोडियम बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है ना, वो वाटर से के साथ ब्लास्ट कर जाता है ना, सोडियम भी इसको बहुत संभाल के रखा जाता है इसलिए। इसके बाद सम ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ Ca2Cr2SO7 आर प्लेटलेट I2 फ्रॉम Ki, तो वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन से सारी के सारी समझ में आ गई ना, Cr+6+3 में जाएगा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, हाँ ये सारी रिएक्शन पढ़ लेना, वही फेरस से फेरिक सॉल्ट हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर S-2 से सल्फर बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट, ये सारी रिएक्शन एक बार पढ़ लेना, तब में वही ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है। इसके बाद क्या है, सिमिलरली ऑक्सीडाइजेस क्लोराइड्स टू, वही ऑक्सीडेशन हो रहा है नाइट्रेट नाइट्राइड टू नाइट्रेट आर्सेनाइड टू आर्सेनाइड, कर लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करना, हाँ ठीक है। इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट, हां तो वही क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के वगैरह में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्रोम येलो ब्लड क्रोमेट, जिंक येलो अलग अलग कोई एजेंट्स बना रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फोटोग्राफी में फॉर हार्डनिंग जिलेटिन के लिए कोई खास यूज नहीं है, मेजर तो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये येलो PPT बनाता है। इसके बाद में एल्केलाइन सॉल्यूशन विद 30% H2O2 और रेड ब्राउन कंपाउंड K3, हां ये भी बड़ा काम का है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में आते हैं वैसे ये सारे टेस्ट, एल्केलाइन सॉल्यूशन में तो वो रिपोर्ट में ये पहले टपक पड़ा है चैप्टर, इजीली मैंने कहा था मतलब ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस में सारी रिएक्शन आ जाती है, समझ गए, एल्केलाइन सॉल्यूशन 30% H2O2 रेड ब्राउन कंपाउंड बनता है K3CrO8 परऑक्सी लिंकेज है इसमें, अच्छा हां अमोनिकल सॉल्यूशन N3 बोलते हैं CrO4 ये भी डार्क रेड ब्राउन कंपाउंड है। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड का क्या, KMnO4 KMnO4 मिनरल है पाइरोलुसाइट MnO2 से बनाते हैं, पाइरोलुसाइट MnO2 को वही ऑक्सीडेशन कर दिया Mn+4 से, आगे पहले K2MnO4 बनाया, K2MnO4 ग्रीन होता है, KMnO4 पर्पल होता है, ये हमेशा याद रखना, हाँ ठीक है, ये कलर हमेशा याद रखना, जैसे क्रोमेट येलो होता है डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है, वैसे यहाँ पे मैग्नेट K2MnO4 को कहते हैं मैग्नेट, MnO4 पर मैग्नेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट मैग्नेट और पर मैग्नेट, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट येलो और ऑरेंज है, मैग्नेट और पर मैग्नेट ग्रीन एंड पर्पल है, ठीक है। MnO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पहले वो ग्रीन मास बनाएगा, फिर वापस O2 से रिएक्ट करेगा तो आगे KMnO4 बना देगा, क्लियर? अच्छा ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम पर मैग्नेट, कोई K2MnO4 को आगे Cl2 से रिएक्ट करवाया KMnO4 बन गया, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया Cl2O3 मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन O2
clear? हाँ MnO4 minus can be oxidized to MnO4 minus कर ही रहे हैं ऊपर ऑक्साइड है. अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकली इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस पे तो ऑक्सीडेशन कर दिया उसका, हाँ तो ये दो तीन तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए. इसके बाद प्रॉपर्टीज, डार्क वॉयलेट वही पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग मेटालिक क्लस्टर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर गिविंग पर्पल सॉल्यूशन. अच्छा वो एनहाइड्रस फॉर्म वॉयलेट एक्वस फॉर्म पर्पल, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ KMnO4. इधर क्या कहानी चल रही है वैसे, ऊपर ये भी देख ले. ठीक है KMnO4 को हीट करेंगे, K2MnO4 बन जाएगा. एक्शन ऑफ एल्केलीज, ठीक है OH माइनस से तो ये तो वही बैलेंसिंग हो गई. एक्चुअली यहाँ पे लिखो MnO4 माइनस से MnO4 2 माइनस बैलेंस करो, OH माइनस अपने आप इधर मिलेगा आपको, राइट. इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग नेचर, KMnO4 प्लस H2O गिविंग KOH MnO2 3 ऑक्सीजन, ठीक है. और वही उसके बाद सारे जितने भी ऑक्सीजन है पोटेशियम डाइक्रोमेट के थे वैसे KMnO4 के सारे ऑक्सीडेशन है, ये पढ़ लेना इसमें कोई खास चीज नहीं है. इक्विवेलेंट वेट वही रेडॉक्स के अकॉर्डिंग जो फैक्टर आएगा. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ KMnO4 वही है, ज्यादातर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, पढ़ लेना सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, समझ में आ जाएगा. KMnO4 है जिसका +7 से लेकर के +2 तक जाएगा, अलग अलग स्टेट के ऑक्सीडेशन करेगा. हाँ क्लियर? हाँ काफी सारे रिएक्शन उसमें, ठीक सारे ऑक्सीडेशन ही है ना. है। तो मैं काम करो, क्या हाँ होता है जितने स्क्रीन पे एक बार पढ़ लो, चलो 5 मिनट, कुछ खास नहीं है, आसान ही है, एक बार पढ़ लो तो उनका आ जाएगा. ऑक्सीडाइज आयोडाइड्स टू आयोडेट्स इन अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज ही हो गया। ओके और यहाँ पे भी वही MnO3 हो जा रहा है, करते जाओ, ठीक जो भी है। रिएक्शन नहीं और समझ आए वो बताओ मुझे. एक्सप्लोजिव ऑयल बन गया यहाँ पे। अच्छा Mn2O7 एक्सेस एक्सप्लोजिव ऑयल क्यों है? कॉन्सेंट्रेशन Mn2O7 परोक्सी लिंकेज है, Mn2O7 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो परोक्सी लिंकेज आ जाएगा उसके अंदर, हाँ इसलिए एक्सक्लूसिव लेंगे ठीक ऑयल. है। तो सर तो स्क्रॉल कीजिए। तो राइट साइड पढ़नी है, राइट साइड की रिएक्शन पढ़नी है. तो सल्फर ठीक है। ऑक्सीडाइज से सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड का उस 5% ऑक्सीजन बचे तो उस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2SO4 X5 और 2 तो ये इक्वेशन आ गई अल्कलाइन KMnO4 के साथ में।
अच्छा, तो बेसिकली जो जो फर्स्ट रिएक्शन का नेसेंट 5 नेसेंट ऑक्सीजन तो सेकंड रिएक्शन में यूटिलाइज होगा, ऐसा हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। तो फोर्थ, कौन सी रिएक्शन? नहीं समझ में आ रही, बताओ, मैं बता देता हूँ। अच्छा रिएक्शन नंबर 4, इट ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ बिल्कुल सिंपल है ना। अरे वो छोड़ो, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो तो उसे वैसे बताया हुआ है, तुम्हें तो लिखने की जरूरत थोड़ी है। सीधा KMnO4 हो रहा है, मैंगनीज प्लस 7 में, मैंगनीज प्लस 2 में जा रहा है, तो सल्फर बेसिकली +4 से +6 में जाएगा। हाँ बस सिंपल, 4 के जो दो पार्ट है वो पढ़ो ना, ये पढ़ो KMnO4 प्लस SO2 प्रोड्यूसिंग MnSO4 प्लस H2SO4। समझ हाँ ओके आई बात? जो लास्ट रिएक्शन है जो और करके निकाला, MnO4 माइनस प्लस SO2 गिविंग SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस, ये है मेन रिएक्शन। क्लियर हाँ समझ हुआ? गए। इसी तरह सारी रिएक्शन पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाँ करते नीचे वाले। क्लियर हुआ? हाँ मुझे याद रखना ये इथाइलिन टू इथाइलिन ग्लाइकोल, इसमें ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन ही होता है। इसको बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, 1% एल्केलाइन के एमिनो फोर होता है, राइट? ठीक है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन तो वैसे डाइसल्फाइड के एमिनो फोर, ये तो पढ़ लेना था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हो गया ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट वही N-2 एफ ऑर्बिटल, ये है लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनियम वाली, फिर इसके बाद में वही 4F में जाता है इलेक्ट्रॉन, 4S0, 4F1, 4F14, फिर द नेम रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं इनको, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, फिर है रेयर लिथियम सिलिकेटियम को पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, मतलब वही लिथियम वगैरह, ये सॉरी लेंथेनियम को इंक्लूड नहीं करना है। पार्ट बी पढ़ लो, इसको पढ़ लो। टेकिंग द फर्स्ट मेंबर एंथेनियम कॉन्फ़िगरेशन 4F0 5D1 6S2 एंड ल्यूटियम कॉन्फ़िगरेशन 4F14 5D1 6S2 हैव नो पार्शियली फिल्ड 4F ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड स्टेट नॉट बी इंक्लूडेड बट बिकॉज दे रिसेम्बल क्लोजली इन द नेचर विद द अदर 13 एलिमेंट्स एंड दस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर इंक्लूडेड इन लैंथेनॉइड्स। ठीक है, पहले जैसे ही आगे। हाँ सही है, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये लेंथेनॉइड से सारे के सारे, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ये तो सब आ जाएगा, ये कोई खास चीज नहीं है। फिजिकल स्टेट ये पढ़ लो, All are silvery white metals having tensile strength and a good conductor of heat and electricity. Lanthanoids have higher density values ranging in between 6.77 to 9.75 gram per centimeter cube, increasing with increase in atomic number. These possess higher MPT. However, no regularity is noticed with increase in atomic number. These form alloys with other metals, especially with iron. मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही जनरल प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको लैंथेनॉइड्स। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लो। Most common and stable oxidation state of lanthanoids is +3. Some elements exhibit +2 oxidation state also, example Sm2+, Eu2+, Tm2+, and Yp2+ exist in aqueous solution. However, they possess the tendency to attain stable +3 oxidation state and therefore are good reducing agents. The +3 oxidation state is more stable in lanthanum, gadolinium, lutetium, as they attain half empty, half filled, and completely filled 4F subshell, respectively. Some elements also exhibit +4 oxidation state, example Pr+4+, Ce4+, Tb4+, and Dy4+ exist in aqueous solution. However, these also possess the tendency to attain +3 oxidation state and therefore are good oxidant. ये रिएक्शन थी, ये पढ़ As elements in +2 oxidation state act as reducing agent and in +4 oxidation state act as oxidizing agent.
4 plus Fe2+ give Ce3+ Fe3+. अच्छा तो प्लस टू है रिएक्टर्स रिड्यूसिंग एजेंट एंड प्लस फोर वाले ऑक्सीडाइजिंग हो जाएंगे. अच्छा ओके एंड इसमें भी नीचे वाला नोट पढ़ो ना. एक्जिस्टेंस ऑफ लैंथेनॉइड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस टू एंड प्लस फोर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एम्प्टी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड एफ सबशेल्स प्रोवाइड लोअर एनर्जी लेवल्स एंड द आयंस गेट स्टेबलाइज्ड. For example, Ce and Tb show plus 4 oxidation state by attaining stable F0 and F7 configuration respectively, whereas Eu and Yb show plus 2 oxidation state by attaining stable F7 and F14 configuration respectively. Huh. Part H. Ionization energy. पर F7 स्टेबल कैसे होता है? अच्छा बीच में होगा ना. हाँ ठीक है ठीक है. आयनाइजेशन हाँ 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 फिर वही. हाँ हाँ मैं समझ गई थी. लैंथेनॉइड्स हैव लो वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी Ie1 एंड Ie2 व्हिच आर क्लोजर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्पेशली टू कैल्शियम ऑन अकाउंट ऑफ फेयरली लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लार्ज एटॉमिक साइज लैंथेनॉइड्स आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. Colored cations and paramagnetism. Most of the lanthanoid ions are colored and exhibit paramagnetic nature due to partially filled f orbitals. The unpaired electrons involve FF transition in lanthanoid ion, which is responsible for the color in solid as well as solution state. Also, the number of unpaired electrons gives rise to paramagnetism in them. So, yeah. ठीक है आगे इसके बाद तो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन है वो पता है तुम्हें वो बाद में पढ़ लेना आराम से. हां लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन तो पढ़ा ही हुआ है. इसके बाद डिवाइडेंड फ्रॉम द टेबल वही प्लस 3 में ये तो रेडियस रेडियस है ये हो जाएगा स्मॉल एवरेज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ये हो जाएगा. इसमें कुछ खास नहीं है. बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीज ये नॉर्मल जैसे बेसिक कैरेक्टर था वही है. इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ It is the influence of lanthanoid conduction का है. वो तुम पढ़ लेना. इसके बाद में chemical reactivity पढ़ लो. ये पढ़ लो. पढ़ो. These are very reactive metals like alkaline earth metal. However, they show very little difference in their chemical reactivity. On strong heating with H2 and carbon, these form salt like non-stoichiometric hydrides and carbides. These burn in oxygen. You can give a variable fancy ho jati hogi na. These burn in oxygen to give M2O3. Sesquio oxide matlab? 1.5 oxygen per one element known as sesquio oxide. Except C, which gives CuO. These ionic oxides react with water to form insoluble hydroxides. These other oxides and hydroxides being strong base react with CO2 to form carbonates M2CO3. On burning in sulfur, these form sulfides M2S3. M2S3 तो सीधा है ही basically plus 3 valency common valency है तो M2S3 बनेगा. और non stoichiometric hydride एक second उसके मेड को बोलो कि एक बार ताला खींच के देखे उधर खींच के देखे. हाँ तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड तो साइज बड़ा होने की वजह से जितना ज्यादा बड़ा क्रिस्टल साइज होगा उतना वॉइड स्पेसेस मिलेंगे उसके बीच में जाकर के फिट हो जाएंगे. हाँ वो गया नॉन स्टोइकोमेट्रिक. और M2S3 तो बनेगा ही ना प्लस 3 कॉमन वैलेंसी है ना इनकी. राइट आगे बढ़ते हैं. केमिकल रिएक्टिविटी हो गया. लैंथेनाइड मेटल ये पढ़ लो. जनरल पढ़ लो मतलब पता ही है सारी चीजें बट फिर भी पढ़ लो रिएक्शन चार्ट. With sulfur, with acid, with halogen, with water, with C2770K, with N2, with O2. With the sulfur form sulfides M2S3, acid to liberate hydrogen, with halogens produce halides MX3, with water form hydroxides MOH3 plus H2, with C2770K form carbides MC2, with N2 form nitrides MN, with O2 form oxides M2O3. Yeah. ठीक है. हाँ थोड़ा से बाद निकाल बिल्कुल थोड़ा ज्यादा नहीं निकाल. इसके बाद वही जैसे लैंथेनाइड सीरीज थी वैसे वही एक्टिनाइड सीरीज शुरू हो गई. इसमें
पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री। जनरल एनी यूज़ एलॉय एनी एलॉय कंटेनिंग 30% मिस्क मेटल्स मतलब ऊपर लिखा पायरोफेलिक एलॉयज नोन एज मिस्क मेटल्स कंटेन लैंथेनॉइड्स अबाउट 90 to 95% आर नॉट यूज्ड एंड कैल्शियम कार्बन सिलिकॉन बाकी ओके मिस्क एन एलॉय कंटेनिंग 30% मिस्क मेटल्स एंड 1% जिक्रोनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ जेट इंजिंस सेरियम सॉल्ट्स आर कॉमनली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग सेरियम फॉस्फेट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेरिक सल्फेट इन डाइंग कॉटन इन लेड एक्यूमुलेटर्स एक्सेट्रा ऑक्साइड्स ऑफ प्रासोडीमियम Pr2O3 एंड नियोडीमियम आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कलर ग्लासेस एंड स्टैंडर्ड फिल्टर्स ऑक्साइड्स ऑफ सीरियम एंड थोरियम आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ गैस लैम्प मेंटल्स सेरियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सनग्लासेस एज सेरियम कट्स ऑफ हीट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट तो आगे आगे बढ़े। हाँ नंबर ऑफ एक्टिनाइड सीरीज और दिस 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 ये पढ़ लो ज्यादातर रेडियो एक्टिव यौगिक ये पढ़ लो। Number of actinoid series are radioactive and majority of them are not found in nature. Elements from atomic number 93 and onwards are called transuranic elements and have been prepared by artificial means using nuclear reactors. G.T. Seaborg has maximum contribution in discoveries of these elements. Achha. So thorium and all of them. Okay. Some properties of this ये chart देख लेना तो common oxidation state तो वही plus three है कुछ कुछ की plus two है इसके बाद electronic configuration हो गया इसके बाद में point number seven पढ़ लो ये पढ़ लो point number eight actinides show a range of oxidation state which is to comparable energies of 5f, 6d and 7s orbitals. The general oxidation state of actinoids is plus 3. The elements in the first half of the series show higher oxidation states. Yeah. Huh. All these elements are very good. Point number 9, pardon. All these elements are very strong reducing agents, are strong reducing agents. And are very reactive metals. Actinoids are radioactive and therefore it is difficult to study their chemical nature. However, relatively more stable isotopes of these elements beyond uranium have been discovered and the chemistry of these elements has been studied to an extent by using radio tracer techniques. You get? Hmm. Solved examples. Solve करना शुरू कर दो. हाँ. Solve करो question number one or two solve करो. The solution of following solves will be covered in case of LiZnNOMg. Thrice. एक काम करो. Plus. हाँ. हाँ solve करो. हाँ. CO2 plus Mg2 plus Zn2 plus Zn तो नहीं होगा CO 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 कोबाल्ट ना हमारा ईमेल आईडी बोलो सृष्टि ईमेल आईडी सृष्टि शर्मा 11 110 डबल हाँ वही वाला ठीक है गूगल स्प्रेडशीट अभी शेयर की है लिंक भेजा है देखो आपके ईमेल आईडी पे आया होगा उसको ओपन करो सृष्टि पोर्शन स्टेटस हाँ देखता ओपन करो उस शीट को उसको अभी फिल कर दो मेरे को समझ में भी आ जाएगा।